शो माता जी, अभी जो मैसेज में ऊपर लिखा है मैंने, वो शो माता जी से प्रे करके चित्त में शो माता जी ने ही दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चित्त को सिर के तालु भाग या सहस्त्रार पर रखने से उसमें एक ही चीज़ हमें अपने आप को देखना है कि हमारा चित्त सहस्त्रार पर है कि नहीं। क्योंकि जिसका चित्त सिर के तालु भाग पर रहेगा वो हमेशा आनंद में रहेगा। अगर वो किसी की बुराई देखता है, किसी में कमी देखता है, किसी के बारे में कुछ गलत चीज़ें बोलता है, तो समझ लीजिए वो सब आज्ञा लेवल की बातें हैं। क्योंकि सहस्त्रार पर शिव माता जी का स्थान है और शिव माता जी ने हमेशा बोला है कि हमें निरानंद आनंद, हर चीज़ में आनंद खोजना चाहिए। अगर हमारा चित्त जो है आनंद के सिवा ये सब चीज़ें देख रहा है, तो समझ जाइए हम आज्ञा पे हैं और हमें तप करना चाहिए। श्री माता जी ने बोला आज्ञा पे हमें तप करना है। तप मीन्स अपने चित्त की निगरानी करना है और फिर क्लियरेंस करनी है। लीवर पे आइस पैक, आज्ञा की जो चीज़ें हैं वो हमेशा क्षमा भाव रखना चाहिए और साक्षी भाव, यानी जो भी हो रहा है हमारे लाइफ में उसको एक नाटक की तरह देखें और शिव माता जी से प्रे करते रहें। साक्षी भाव आना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम शिव माता जी का जो स्थान है सहस्त्रार उस पर जा नहीं पाएंगे, हम कभी नहीं जा पाएंगे। चाहे आप कितना भी ध्यान कर लें, क्लियरेंस कर लें, तो क्षमा भाव से ही हमारा उत्थान होगा। हमेशा दिन भर में 20 बार ही हमें क्यों ना बोलना पड़े, हम क्षम ये मंत्र है, इसको आप बोलते रहें दिन में हर 2-2 मिनट पे। फिर देखिए आपका चित्त हमेशा माँ के पास रहेगा और हर चीज़ में आनंद आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है। बिना आज्ञा पे तप किए हम माँ के चरणों में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ ईसा मसीह जी बैठे हैं। आज्ञा पे हमें रोक देंगे यहीं पे, माँ के पास वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि माँ के पास जाने के लिए हमारे अंदर हमारा हृदय सागर के जैसा विशाल होना चाहिए। सब कुछ क्षमा, सब कुछ क्षमा, सब कुछ क्षमा, ये बहुत बड़ा मंत्र है। हम क्षम, हम क्षम, इससे हमारा जल्दी ही उत्थान होगा। जय श्री माता जी।